हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th आर रिक्वेस्टेड टू पे अटेंशन टू दिस लेसन। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ शेंशुई। प्यारे बच्चों, कल हमने आपको चाइनीज़ व्यू और एशियन व्यू, चाइनीज़ आर्ट और एशियन आर्ट, जिसमें एशियन आर्ट का एग्जांपल चाइनीज़ आर्ट था, वू दाओजी का आर्ट था, ये कंपैरिजन बताया था। इसमें एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ शेंशुई, इसको आज मैं आपको समझाऊंगा। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स ऑफ आउटसाइडर आर्ट। आउटसाइडर आर्ट नेकचंद का आर्ट है, वे पेंटर जिनके पास कोई डिग्री नहीं है बट दे मेड आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग। हु वॉज द अनट्यूटर्ड जीनियस, इसका आंसर है नेकचंदा वॉज द अनट्यूटर्ड जीनियस, अनट्यूटर्ड जिसने कोई ट्यूशन नहीं लिया। जीनियस हु क्रिएटेड अ पैराडाइज एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन आर्ट टू आर्ट, हिज द नेचर ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर्ट इज कॉल्ड आउटसाइडर आर्ट। तो ये क्वेश्चन यहीं पर हल हो गए। एक क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का सेकंड पार्ट का आंसर, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ शेंशुई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, थोड़ा हम आपको ये समझाएंगे। तो देखिए, ये आपने एक पिक्चर देखी हुई लैंडस्केप ऑफ द सोल, इसमें देखिए शेंशुई का मीन्स होता है माउंटेन वाटर। आप देख रहे होंगे कि जो एक सीधे ऊर्ध्वाधर ऊपर को जो लाइन गई है ये शैन है, इसका मीनिंग शैन है, और जो ये पैरेलल लाइन गई है सीधे जिसको हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं ये शुई है। शैन शुई का अर्थ होता है माउंटेन वाटर, शैन का मतलब माउंटेन और शुई का अर्थ है वाटर। इसके अलावा चाइनीज लैंग्वेज में इसको वहाँ के लिटरेचर में शैन को येंग कहा जाता है और शुई को देखिए वाटर के बराबर में लिखा है यिन। और इसके नेक्स्ट थिंग, जो येंग होता है वो मैस्कुलिन यानी मेल जेंडर का प्रतीक होता है, और जो फेमिनाइन जो यिन है यानी शुई है या वाटर है या यिन है, ये फेमिनाइन जेंडर का को रिप्रेजेंट करता है। और इनके बीच में आप देखेंगे एक ब्लैंक स्पेस है, वॉइड, वॉइड का मतलब है ब्लैंक स्पेस, तो ये इनके इंटरेक्शन के लिए ज़रूरी है। तो एक माउंटेन हो गया, एक अर्थ हो गई और बीच में आकाश हो गया, स्पेस हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, चाइनीज़ क्लासिकल पेंटिंग में बहुत ही गहरी बातें छिपी होती हैं। उसमें हम ये कहें कि जो वहाँ की जो क्लासिकल आर्ट की जो बारीकियाँ होती हैं, जो उसके पीछे कंसेप्ट होती है, उसके पीछे थीम छिपी होती है, तो ये वहाँ के हर पेंटिंग में दिखेगा। आप देखेंगे वहाँ ये बीच बीच में खाली स्पेस दिख रहे हैं आपको, ये गोले, और ये पेंट नहीं किए गए, इनमें कहीं पेंटिंग नहीं है और यहाँ पर एक वॉइड भी है। ये इसका मीनिंग ये है कि डियर स्टूडेंट, जो हमारी पृथ्वी का जो सृजन हुआ है वो माउंटेन वाटर से हुआ है। माउंटेन भी जरूरी है, वाटर भी जरूरी है, इसमें बीच में ब्लैंक स्पेस जो स्काई है वो भी जरूरी है। और ये यंग, ये पुल्लिंग का प्रतीक है और ये स्त्रीलिंग का प्रतीक है। डियर स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं कि यदि जैसे कोई बीज है, माना गेहूं का बीज है, यदि हम उसको बोने के लिए अगर हमारे पास पृथ्वी नहीं होगी, अर्थ नहीं होगा, तो वो मतलब वो किस में जमेगा। तो इसलिए हमको अर्थ एक फेमिनाइन जेंडर की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा उसको अर्थ इसके अलावा बीज के रूप में हमको माउंटेन की ज़रूरत होती है। और बीच में अगर माना वो बीज उगेगा तो कहाँ उगेगा, अगर बीच में वॉइड है मतलब आकाश नहीं होगा तो पौधा कहाँ को उगेगा। तो आप देख सकते हैं कि कहीं भी जीवन की उत्पत्ति है, चाहे मानव की उत्पत्ति है और या चाहे पेड़ पौधे जीव जंतु की उत्पत्ति है, तो इनकी उत्पत्ति के लिए चाइनीज कंसेप्ट कहती है कि बिल्कुल नेचुरल थिंग है, टू पोल्स का होना बहुत ज़रूरी है। एक फेमिनाइन जेंडर है जिसको कि वाटर, यिन या सुई कहा जाता है, और दूसरा जो है मेल जेंडर जो है वो शैन कहा गया है, जो कि माउंटेन का प्रतीक है। ऐसे ऊर्ध्वाधर खड़ा प्रतीक दिखाया गया है, जहाँ पर आपको खड़ा एरो दिखाई दे रहा है, यही यंग है और यही मैस्कुलिन है, और बीच बीच में वॉइड है, ये बीच में जो आकाश है, क्योंकि अगर ये चिपके रहेंगे तो कोई चीज़ विकसित होने के लिए, उसके डेवलप होने के लिए कोई जगह ही नहीं बच पाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स,
ये जो कंसेप्ट है इसकी तुलना प्राणायाम से की गई है। अब आप देखेंगे यहाँ नीचे योगा लिखा है, प्राणायाम लिखा है। तो प्राणायाम का मतलब क्या होता है, पहले अनुलोम होता है, आप देखेंगे अनुलोम, और फिर बीच में हम एक नाक से वन जो नॉस्ट्रिल होता है उससे हम ब्रीद इन करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, फिर कुछ देर रुकते हैं, कुछ सांस को अंदर रोकते हैं कम से कम 1 या 2 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए, उसके बाद हम विलोम, अनुलोम के बाद विलोम होता है, यानी उस जो सांस को बाहर छोड़ते हैं उसी को ब्रीद आउट कहते हैं। तो मतलब ये यंग और यिन का कंपैरिजन जो है प्राणायाम से किया गया है, कि जैसे एक बार अनुलोम किया, बीच में रिक्त स्पेस आया, वॉइड आया, और फिर हमने विलोम किया, सांस ली, थोड़ा देर रोका, और फिर हमने सांस छोड़ा, तभी वो कंप्लीट योगा होगा, तभी वो प्राणायाम होगा। तो इसी तरह यदि इसमें शयन है और शुई है और बीच में खाली जगह नहीं होगी तो इस सृष्टि का सृजन नहीं हो पाएगा, सृष्टि की उत्पत्ति असंभव है। आपको बताया कि पेड़ पौधे में हमने बीज भी डाल दिया और पृथ्वी की मिट्टी भी डाल दी, और मिट्टी में हो भी गया, तो यदि उसके उगने के लिए ऊपर स्पेस नहीं रहेगा, आकाश नहीं रहेगा, हवा नहीं रहेगी, तो वो पेड़ बड़ा नहीं हो पाएगा और नेक्स्ट जो है सृष्टि का सृजन नहीं हो पाएगा। तो और इसीलिए चाइनीज़ पेंटिंग में, जो क्लासिकल पेंटिंग में, कोई भी बड़ा अगर क्लासिकल पेंटर होगा, चाहे वु दाओजी का हो चाहे किसी की भी, उनकी पेंटिंग में जगह जगह पर ये खाली स्पेस छोड़े हुए होंगे, ब्लैंक स्पेस छोड़े हुए होंगे, अनपेंटेड, जिनमें कलर नहीं किया होगा। ये इसका मीनिंग ये है कि जो चाइनीज जो पेंटिंग है वो क्लासिकल पेंटिंग है, और वो जो जो वो दाओइज्म के व्यू पर बनी हुई है और शेन शुई के कंसेप्ट पर ही बनी हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये शेन शुई का कंसेप्ट समझ गए होंगे, और ये अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आए तो मैंने यहाँ पर ये पैराग्राफ देखेंगे आप, ये द कंसेप्ट ऑफ इज एक्सप्रेस एज शेन शुई लिटरली माउंटेन वाटर विच इज यूज रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप। More than two elements of an image, these represents two complementary poles reflecting Taoist view of the universe. तो यहाँ से लेके अब आप देखेंगे last जो paragraph है, importance of white unpainted space in Chinese landscape. So dear students, ये आपका बहुत ही important question है, जो कि बच्चों को शेन शुई समझ में नहीं आता है, और ये आपने देख भी लिया होगा कि शेन शुई आपके question में, आपके जो questionnaire दिया हुआ है उसमें भी आपके यहाँ पर दिया गया है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ शेन शुई, ये एग्जाम में भी आता है। तो एज आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, और हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, हैव अ नाइस डे एंड विश यू ऑल द बेस्ट।